हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट ब्राइटनिंग आइस क्यूब। सो गाइस, अगर आप डेली एक आइस क्यूब भी यूज़ कर लोगे तो आपको मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप घर पर फेस पैक बना बना कर अपने फेस पर लगा कर बोर हो चुके हैं और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आइस क्यूब आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके आपको ग्लोइंग यूथफुल फ्लॉलेस स्किन देगी। अगर आपकी स्किन में टैनिंग की, पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी ठीक करेगी। और गाइस, साथ ही साथ बहुत लोगों की जो स्किन होती है वो 30 की एज के बाद बहुत ज़्यादा सैग करनी शुरू हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो गाइस ये आइस क्यूब आपकी स्किन को टाइटन भी करेगी। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, इस आइस क्यूब को बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी मुल्तानी मिट्टी पाउडर। सो गाइस, मुल्तानी मिट्टी के बाद हमें चाहिए होगा राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। सो गाइस, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर के चावल को पीस कर भी चावल का आटा बना सकती हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन के बाद हमें चाहिए होगा रोज़ वाटर और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए मिल्क यानी दूध। सो गाइस, अब इस आइस क्यूब को किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास लेना है और उसमें एक कप दूध डालना है। दूध डालने के बाद आप इसमें आधा कटोरी रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच चावल का आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि इसमें जो अगर बाय चांस लम्स हो गए हैं तो आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच बेसन यानी ग्राम फ्लोर और इसे भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो गाइस, आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाएँ। सो गाइस, अब हमारी आइस क्यूब बनाने के लिए एकदम हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आइस ट्रे ले रही हूँ और उसमें इस मिक्सचर को डाल दे रही हूँ। सो गाइस, आपको ध्यान में रखना है जब आप मिक्सचर को डालें तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो नीचे जाकर बैठ जाती है, सेटल हो जाती है, तो आपको इसे मिक्स करते हुए आइस क्यूब के अंदर डाल देना है और उसके बाद आप इसे ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख दीजिए ताकि अच्छे से जम जाए। सो गाइस, 6-7 घंटे बाद हमारी आइस क्यूब एकदम रेडी हो चुकी है। सो गाइस, हमारा इंस्टेंट ब्राइटनिंग आइस क्यूब एकदम रेडी है। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं वो भी इंस्टेंट, तो आप इस आइस क्यूब को ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको एक आइस क्यूब लेनी है जिसे मसाज करते हुए आपको अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करते जाएंगे तो मुल्तानी मिट्टी, ग्राम फ्लोर, बेसन का जो पैक है वो आपके फेस पर अप्लाई होता जाएगा। सो गाइस, इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस, ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग आइस क्यूब है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो बहुत ही नेचुरल है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को भी दूर करेगा। सो गाइस, अब मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे एक ही यूज़ में मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है, एकदम क्लियर लग रही है। सो गाइस, आप इस आइस क्यूब को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। सो गाइस, ये था मेरा इंस्टेंट ब्राइटनिंग आइस क्यूब। आप इसे ज़रूर बनाएं और मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने के बजाय आप डेली एक आइस क्यूब ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।